राहुल गांधी, फिर असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में से बेहतर राजनेता कौन है? इससे आपको राजनेता दिखाई देता है। राहुल गांधी का बारे में मैं क्या बोलो, सब जानते हैं। ओवैसी तो राजनेता है ही नहीं, वो तो एक दो परसेंट जो कट्टर मुसलमान का है उनका ही नेता है। और केजरीवाल जी तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का किंग है, उनमें राजनेता आपको किसको दिखाई देता है? सर, अब इस सब के बाद थोड़ा सा मोमेंट लाइट करते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आप उस कैमरे में देखिएगा। ये आईपैड पे आपके लिए सवाल रखा है मैंने, ये आप इस पे देख सकते हैं, आईपैड पे है ये। और कोशिश करिएगा कि जो तस्वीरें हैं उसी को लेकर आप जवाब दीजिएगा। ठीक, कैमरा आपका वहां पर है। मेरा पहला सवाल जो है वो बहुत ही ट्रिकी है और मेरा पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बेहतर राजनेता कौन है? आपके सामने तीन ऑप्शन है, राहुल गांधी, फिर असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में से बेहतर राजनेता कौन है? इससे आपको राजनेता दिखाई देता है? कोई नहीं इनमें से। राहुल गांधी का बारे में मैं क्या बोलो, सब जानते हैं। ओवैसी तो राजनेता है ही नहीं, वो तो एक दो परसेंट जो कट्टर मुसलमान का है उनका ही नेता है। और केजरीवाल जी तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का किंग है, उनमें राजनेता आपको किसको दिखाई देता है? मैं सोचा था एक गांधी जी का फोटो लाएगा, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी का फोटो लाएगा और फिर मुझको पूछेगा इनसे अच्छा कौन है। आप तो ये क्या पिक्चर लेके आया। अच्छा ठीक है, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, असली भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है, असम में या महाराष्ट्र में? देखिए, दोनों में शिव जी विराज करते हैं। अभी असली ज्योतिर्लिंग कौन है, अब शिव जी ही बोल सकता है, आप मैं कैसे बोल सकता। आपने बहुत ही जितना ट्रिकी सवाल था उतना ही ट्रिकी आंसर भी दिया है। नहीं नहीं, मेरा किताब में लिखा है कि भीमाशंकर असम में ही है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र का किताब में लिखा है वो महाराष्ट्र में ही असली है। मैं हिंदू हूँ इसलिए दोनों मंदिर ही मेरा आराध्य है। मैं पुणे में भी जाता हूँ, गुवाहाटी में भी आता हूँ। अच्छा, तो महाराष्ट्र का लोगों को भी मैं इन्वाइट करूंगा, आप भीमाशंकर पुणे में जाइए और कभी जीवन में समय मिलता है तो भीमाशंकर असम में भी आइए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है, वो एक ऐसा सवाल है जिसमें डेफिनेटली आप शायद थोड़ा सोचेंगे ज्यादा। मेरा अगला सवाल आपके सामने ये है, और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन है, हेमंता बिस्वा सर्मा या योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी देश का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारा पार्टी का नेता है। हम तो अभी अभी बीजेपी में आया हूँ तो हमारा कंपेयर कैसे आप कर सकते हो। हम तो अभी बीजेपी में कितना 2016 सन में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, ये तो मेरा और हम एक असम जैसा छोटे प्रदेश में रहता हूँ तो हमारा ये फोटो हमको आपने क्यों दिखाया? चलिए ठीक है, आपका बड़प्पन है। अब मेरा अगला सवाल देखिएगा, बेहतर न्याय व्यवस्था आप किसे कहेंगे, बुलडोजर को या कानून को? देखिए, बुलडोजर भी देश का कानून व्यवस्था का ही अंग है, कोई बेकानूनी घर नहीं गिरा सकता है। हमने बुलडोजर से कम हजारों लोगों का मकान गिराए हैं जो फॉरेस्ट में है। मैंने अभी तक मेरा जितना हिसाब है शायद वी हैव क्लीन अप मोर देन 20,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड इन आवर फॉरेस्ट एरिया बाय यूटिलाइजिंग बुलडोजर। तो कम से कम हजारों घर, 50,000 का ऊपर घर, बट विथ क्लीन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है या आमिर खान है? मैं हिंदी फिल्म बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन सुपरस्टार कौन बड़ा है आपके हिसाब से? ये सुपरस्टार का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? मतलब लार्जर देन लाइफ, स्टार्स का भी बड़ा स्टार। पता नहीं ये सब लार्जर का लाइव है, मैं तो कभी सुना नहीं। मुझे कौन पसंदीदा ये बता दीजिए। मेरा कोई भी पसंद कोई नहीं। स्टार तो पसंदीदा होगा आपको? नहीं नहीं, आमिर खान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमारा बार आने से सीएम रिलीफ फंड में कुछ ना कुछ भेजता है, तो आमिर खान जी को मैं बात भी किया हूँ। सलमान खान को मेरा वाइफ, उनका बहुत पिक्चर देखता है, घर में बातचीत होता है। और शाहरुख खान को अभी मैंने जान पसंद हुआ मेरा,
लेकिन वो लोग का जो दुनिया है और हमारा दुनिया है अलग अलग दुनिया। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, मेरे को पता लगा है कि आपने भी फिल्मों में एक्टिंग की है। मैंने खुद आसाम इस फिल्म में एक्टिंग किया। और लेकिन देखिए किस दौर की बात है वो? ये जो एक दुनिया है वो अलग दुनिया है, यंग लोगों का दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है, हमारे दुनिया उनसे मिलता जुलता नहीं। वो किस दौर की बात है जब आपने एक्टिंग किया? मैं मतलब ऐसा है, क्लास जब मैं 5, 6, 7 उसी समय पढ़ता था तो ड्रामा भी करता था, फिल्म भी करता था, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन भी करता था, तो एक दौर रहा। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, क्या आप, मेरा अगला जो सवाल है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? उनको तो सब पहचानते हैं आजकल। कौन है ये? ये तो राहुल गांधी जी का कुत्ता था, उनको तो सब पहचानता है। और क्या आपका इनसे जो आपका एक स्टोरी थी वो जरा बताइए हमें। इसका स्टोरी यही है ना कि कांग्रेस लोगों को उनका साथ खाना पीना करना पड़ेगा। अगर आप राहुल गांधी जी को अपना, इफ राहुल यू आर इन विथ राहुल गांधी, या आप राहुल गांधी का खिलाफ बोलने का आपका हिम्मत नहीं है, तो अब जब राहुल गांधी का घर में जाएगा, अभी जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, मेरा दौर का बात बोल रहा हूं 2012-13, तो उनका साथ एक ही टेबल में आपको खाना खाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के एक ही रहेगा, एक ही टेबल, ऐसे यहाँ ये आपने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, आप भी एक पीस खाओ, पीडी भी एक पीस खाएगा, राहुल जी भी एक पीस खाएगा। राहुल जी खाया तो मैं नहीं देखा, लेकिन हम लोग को पीडी का इज्जत करने के लिए खाना पड़ता है। ये तुगलक लेन की बात है, जहां राहुल गांधी तुगलक लेन का बात है, और उसी घर में उनके सामान बंद गया। हाँ, और लेकिन मैंने जब देखा सब लोग आराम से खा रहा था, तो मैंने सोचा भाई ये क्या दुनिया है। वही मेरा पहले तो हम जाते थे, कभी टी सर्व नहीं होता था, लेकिन वो दिन तरुण गोगोई जी था, सीपी जोशी था, सारे लोग था, तो चाय सर्व हुआ। पहला दिन मेरा जीवन में चाय देखने का सौभाग्य हुआ गांधी फैमिली में, तब चाय का साथ वो पैकेज भी आ गया, तब आस्ते से मैंने हाथ उठा के रुक गया। नहीं, लेकिन अब उसी घर से राहुल गांधी का सामान पैक हो चुका है और अब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तुगलक और राहुल जी मिलता है, तुगलक और राहुल गांधी मिलते हैं, मतलब तुगलक लेन में राहुल जी को रहना एक हिसाब से वो भी एक जस्टिस ही था। कोई जनपथ में ना रहे, तीन मूर्ति में ना रहे, तुगलक में ही रहना, वो भी तुगलक जैसा ही था ना। तो इसीलिए मैं अगर दिल्ली में होता था, मैं तो बोलता था जीवन भर आप तुगलक में ही रहिए।